और YouTube चैनल टेक्निकल जय। दोस्तों, आज इस सप्लाई के बारे में हम बात करेंगे। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग किस्म का फॉल्ट आया है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये सप्लाई चल रहा है, बट इसकी सीरीज ना शॉर्ट हो रहा है, मतलब बल्ब जल रहा है। जो ये देखिए वर्किंग में है, फिर भी इसमें हो क्या रहा है कि बोर्ड पे लगाते हैं तो डिस्प्ले नहीं आता है। ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम इसको ओपन कर लेंगे। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा मैं वीडियो को, लेकिन इसको मैं बिल्कुल ओपन करके ही दिखाऊँगा आप इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। ठीक है, डिस्प्ले इसकी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये फट गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें से वाइट धुआं निकलता है, कई बार ये लिक्विड भी निकलता है, जिससे इस साइड का पैनल गीला हो जाता है या स्टिकर्स भी गीले हो जाते हैं। ठीक है, जब ये फटेगा तो बिल्कुल वाइट धुआं आएगा, और यह थोड़ा लीकेज भी होगा तो भी डिस्प्ले नहीं आएगा। आपका फ़ैन वैन सब कुछ चलेगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली ये दो कैपेसिटर लोकल मार्केट से परचेज करके लाना है और इसमें लगा देना है। लेकिन कंडीशन ये आएगा, ये देखिए, जब भी बदलो ना दोस्तों, तो दोनों कैपेसिटर बदले, सेम वैल्यू का बदले। अभी हम इसको चेंज करेंगे, हम ये लोकल मार्केट से परचेज करके लाए हैं, ये दो नए, दोनों की वैल्यू सेम है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, सेम कंपनी के ही लिया ना। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लगाते हैं तो ये सप्लाई फिर ख़राब हो जाएगा, और जल्दी ही ख़राब होगा और बहुत तेज़ स्पार्क होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ना हो कि अगर आपके पास दो सप्लाई पड़ी है तो एक कैपेसिटर इसका यूज कर लिया, एक उसका यूज कर लिया, तो वो सक्सेस नहीं होता है, चलता है लेकिन बहुत जल्दी कंप्लेंट आ जाता है उसमें। तो सिंपली हम इसको लगा देंगे इसमें। ये देखिए, इसके ऊपर लिक्विड है, ये देखिए, ये देखिए, है ना, तो इसमें लिक्विड है और देख के लगाना है। इस पे जो मार्किंग होती है उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है। इस पे देखिए, ये पॉइंट्स बने होते हैं माइनस के, और ये जो ब्लैक पॉइंट है ये प्लस का है। इस पे पीसीबी पे भी ये मार्किंग होती है। ठीक है, इसको सोल्ड कर देंगे। निकल गया, ये देखिए इसके ऊपर मार्किंग है, निकल गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मार्किंग है, बहुत ईजी है, इसको आप घर पे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन जिस भाई को नॉलेज हो वही करें। ठीक है, और जो भी काम करे दोस्तों, पावर निकाल के करें, देन उसके बाद चेक करें। मैं आपको चला के अब दिखाऊंगा। अब इस सप्लाई पे डिस्प्ले आ जाएगा, हालांकि चलेगा अभी भी, सेम ही दिखेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये था। ये देखिए चल रहा है, ये देखिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।